बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कपशप के साथ मैं हूं सदीक साजिद। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान हैं साबिक वफाकी वज़ीर इत्तला'आत व नशरियात कमर ज़मान कायरा साहब, जो कि इस वक्त पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं और सीधा ही सवाल करते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं, दावत दी उन्होंने अपोजिशन को कि आए जी मोटरवे की सैर करें, हमने मोटर तरक्की को देखें, आप तरक्की को जो तरक्की का जो सफ़र है उसको अब अपोजिशन मुतासर करना चाहती है। वो कहते हैं जी लोड शेडिंग में कमी हो गई है, और कमर जमान कहरा साहब कहते हैं कीता की हो। सही साहब, गवर्नमेंट के क्लेम्स अपनी जगह, हमने तो देखना है नेट रिजल्ट क्या है। जो वो मेरा मुकालमा था, कीता कीजिए मियां साहब, कीता कीजिए। वो मुकालमा तो ये है कि आपने इलेक्शन के दौरान जो वादे किए थे, चार साल तक तो हमने आपको नहीं पूछा। बिल्कुल, हमने कहा कि आप अपना काम करें, किसी ने रुकावट नहीं डाली जी। अगर किसी ने एहतजाज भी किया तो वो इस्लामाबाद की एक सड़क बंद करके बैठे थे, कुछ जाके धरने दे के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट ब्लॉक करके नहीं बैठ गए थे। ठीक, उन्होंने वजारत खजाना या प्राइम मिनिस्टर हाउस के रास्ते बंद नहीं कर दिए थे कि वहाँ कोई खत नहीं आ सकता, टेलीफोन नहीं हो सकता। तो ये तो ऐसी लेम एक्सक्यूजेज हैं। हाँ, आपने वादा किया कि हम 6 महीने में बिजली की लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। बल्कि याद होगा आपको, मियां साहब ने कहा कि जी हमें तो किसी ब्रीफिंग की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल, हमारी टीम तैयार है, हमारे पास रोड स्केच तैयार है, ब्लूप्रिंट तैयार है, हम तो काम शुरू कर देंगे जी। 6 महीने में बिजली की लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, इस पर वोट लिया। एक साल के वादे पर तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा मेरा नाम बदल देना, 2 साल में ठीक ना कर दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, वैसे तो वो फ्लोर ऑफ द हाउस को बादशाह लोग हैं, वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे जाती एक्सप्लेनेशन भी कर देते हैं तो कहते नहीं नहीं वो तो चले छोड़ो जी, वो तो सियासत दिया, सियासी बात थी वो तो, सियासी। और वो पार्लियामेंट में तो होती रहती है बात, यानी वहां उस फोरम पे झूठ बोलना कोई बात जी। लेकिन ऐसा फोरम जिसने आपको खुद मुंतखब किया, जो आपकी जाय पैदाइश है जी एज प्राइम मिनिस्टर जी, सो वहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा कि 3 साल में हम लोड शेडिंग का खात्मा कर देंगे। अब 4 साल हो गए, लोड शेडिंग उसी तरह खड़ी है। और हमारे दौर में लोड शेडिंग 8 से 10 घंटे होती थी। इलेक्शंस के दौरान एक्सट्रीम गर्मी में जो हुकूमत के केयर टेकर गवर्नमेंट के वजीर पानी व बिजली थे, जो उस 10 घंटे को 18 घंटे करने में कामयाब हुए, जिन्होंने 10 से 20 घंटे लोड शेडिंग की, उनको रिवार्ड के तौर पे वजीर आजम साहब का स्पेशल असिस्टेंट बनाया गया, स्पोक्स पर्सन टू जी। बिल्कुल, तो ये तो समझ आता है नक्सेस क्या है। So, आज हम क्यों ना पूछे कि मियां साहब आपकी आनियां जानियां अपनी जगह, लेकिन वो क्या किया है। इसी तरह उन्होंने कहा कि जी हम तो कर्जा खत्म कर देंगे, कर्जा दूना हो गया। हम क्यों ना पूछे कि मियां जी कीता कीजे ना। इसी तरह वो कहते थे कि जी हम तो दानिश स्कूल जो हैं उसके जरिए पाकिस्तान में, पंजाब में सारे गरीब लोगों के बच्चे भी एचएसएन कॉलेज की तरह आला तालीम हासिल करेंगे। और 2.5 करोड़ बच्चा आलमी इदारे कहते हैं कि पाकिस्तान का स्कूलों में नहीं है, स्कूलों में उस्ताद नहीं है, स्कूलों में भी पंजाब के 40-47 हज़ार स्कूलों में इसातिज़ा भर्ती करने से फंड नहीं है। सो कैसे क्यों ना पूछे कि जी मियां जी कीता कीजिए। लेकिन ये कीता कीजिए का जो मुकालमा है या जो नारा है, 4 साल क्यों लगे जी कारा साहब, इसलिए इतने स्पेस आप इनको क्यों दी। नहीं देखिए चौधरी साहब, गुजारिश ये है, पहली बात ये है कि स्पेस हमने नहीं दी। हमारा ये इशू है कि जो कारा साहब सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है पार्लियामेंट में, सिंध में आपकी हुकूमत है। देखिए मैंडेट जैसे भी उनको मिला, ठीक, मैंडेट तो 5 साल का है। उससे पहले खान साहब ने उनके खिलाफ एक तहरीक चलाई, खान साहब उनकी तहरीक बड़ी मंतकी अंजाम तक ले आए थे, लेकिन वो एंड पे आकर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। अल्टीमेटली वो एक ऐसा रास्ता इख्तियार करने में फंस गए जाके वो, कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। चौधरी साहब, हमने इस पार्लियामान को, इस पार्लियामानी निज़ाम को, इस जमहूरी अमल को बहाल करने में अपनी क्यादत कुर्बान की है, अपने भाई कुर्बान की है। हमें बड़ी तकलीफ है, हमें पता है इसकी कीमत क्या है। और जब कभी मुल्क में डेमोक्रेसी डिरेल होती है, ये मुल्क बहुत कमज़ोर होता है, हम दोबारा इस अमल को शुरू करते हैं। इसलिए हमने कहा कि जी हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज को और इस नॉर्म्स को डिरेल नहीं होने देंगे। जब हमें यह महसूस हुआ, हो सकता है हमें सही महसूस हुआ हो सकता है हमें गलत महसूस हुआ हो, लेकिन जो हमें महसूस हुआ कि अब ये निज़ाम खतरे में जाने वाला है और पार्लियामान पे हमला होने लगा है, तो हम पार्लियामान के साथ खड़े हो गए। उसका सरकमस्टांशली मियां साहब को बेनिफिट हो गया। ठीक, दूसरा यह है कि अगर हम 2 साल के बाद जिनको चलता कर देते, गिरा सकते थे गवर्नमेंट, हम अगर गिरा लेते, लेकिन गवर्नमेंट गिराना तो कोई काम, खान साहब तैयार थे जी। अच्छा, इमरान खान साहब तैयार थे। देखो, खान साहब तो इनका धरना देके क्या करने गए थे। सही,
सिंध की गवर्नमेंट हमारी थी, केपीके में उनकी गवर्नमेंट थी, दो गवर्नमेंट हम इस्तीफा देते, फेडरल गवर्नमेंट से इस्तीफा देते, सेनेट से गवर्नमेंट गिर जाती, क्या होता? ऐसा ही था, ठीक है। लेकिन फिर ये होता है कि जी हमें काम नहीं करने दिया गया, हमारे पास बड़ा रोड मैप था, हमारे पास ये था। तब चार साल हो गए, चार साल के बाद ये भी कहा गया कि जी हमारी तो, हमने तो कोई गलती नहीं की, हमारी तो नीट एंड क्लीन गवर्नमेंट है, कोई करप्शन स्कैंडल नहीं है। तो हम कैसे ना पूछे कि जनाब वो 480 अरब रुपए की पेमेंट है जिसके आज भी चर्चे हैं पार्लियामानों में। जी जी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आज भी वो मौजूद है केस। मैं वही कह रहा हूँ कि और किस तरह के चर्चे हों, अगर हम आपकी मेट्रो ट्रेन का पता करना चाहते हैं तो आप नस्पाक के दफ्तर जला देते हैं, अगर तहकीकात शुरू होती है मेट्रो बस की तो आप एलडीए के प्लाजे को आग लगवा देते हैं, 22 बंदे मरवा देते हैं। नंदीपुर भी है, नंदीपुर का रिकॉर्ड जो है वो भी सिर्फ उसकी तहकीकात शुरू होती है वो जल जाता है। अब मैं तो कहता हूँ मोटरवे का रिकॉर्ड जल जाता है। सो ये मोटर रिकॉर्ड जलाने के बादशाह लोग हैं। लेकिन हमारे दौर में हमारे खिलाफ जो कुछ उस वक्त के चीफ जस्टिस ने मफरूजों पर मबनी और अखबारी तराशों पर मबनी सुओ मोटो लिए, किधर गए वो, उसका क्या निकला रिजल्ट? आज पाकिस्तान के वो जो हमारे दौर में जो काम थे आज उनको रोकने का पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान है, इस पर किसी वक्त बैठ के वैल्यूएट होना चाहिए इसको। सो हमने चार साल तक वेट किया। अब जब अदालत ने पानामा का इशू पे आ गया, अदालत के फैसले आ गए, बाकी तो उसके बाद हमने कहा कि जी अब आपका चलना मुश्किल है, अब क्योंकि अब आप अदालत के भी एक तरह के कन्विक्टेड ही हैं। अदालत के दो सीनियर जज साहबान ने तो कह दिया ना मियां साहब को डिसमिस करें, फारिग करें, डी नोटिफाई करें, बाकियों का भी जो मौकफ है वो ठीक है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए सारे जज साहबान ने कहा इन्वेस्टिगेशन भी आ जाएगी। उस पर हमने कहा कि जी अब आप फेल हुए हैं, लिहाजा हमने एक सवाल नामा तैयार किया है। तो वो जो है कि मियाँ जी कीता कीजिए, वो इसलिए है कि जनाब आपने सस्ते तंदूर चंगी बोली, नज़म बन सकती है वैसे कीता कीजिए, वो पूरा एक नैरेटिव है जी। हाँ जी बिल्कुल, वो होगा इंशाल्लाह। हाँ, क्योंकि आपने जो वो नासर बाग में किया ना, आवाम की नब्ज पकड़ी आपने, और उसमें पीपल्स पार्टी के वर्कर को देखने के साथ साथ जो लोग टीवी पे भी देख रहे थे उन्होंने भी देखा कि ये बात भाई बात ठीक हो रही है, किसान एहतजाज कर रहा है। क्योंकि लाहौर में जब लोड शेडिंग का देख लेना उन्हीं दिनों की बात, लाहौर में जितने दिन, अच्छा लाहौर में मैंने क्योंकि कुछ 7-8 दिन 14 कॉर्नर मीटिंग्स की जी, जितने दिन हम कॉर्नर मीटिंग करते रहे लोड शेडिंग लाहौर की जीरो हो गई थी। अच्छा अच्छा, लाहौर, मैं लाहौर वालों को हंस के कहता था कि जितने दिन तक मैं यहाँ जलसे कर रहा हूँ ये लोड शेडिंग नहीं होगी, उसके बाद होगी ठीक। लेकिन जो ऐसा देखे ना, हम लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं, हम किसान इस वक्त चला रहा है, बारदाना नहीं मिल रहा, बारदाना नहीं मिल रहा, आज उसकी फसल की कीमत नहीं मिल रही। आज पाकिस्तान के उसी दिन जिस दिन हमारी वहां था सिटिंग, उसी दिन पाकिस्तान के क्लर्कों ने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के बाहर हड़ताल की हुई थी, पंजाब सेक्रेटेरिएट के बाहर, नर्सें हड़ताल पे, डॉक्टर हड़ताल पे, उस्ताद हड़ताल पे, किसान हड़ताल पे, पाकिस्तान का मजदूर उसके हालात बुरे हैं। आपकी इकोनॉमी कह रहे हैं ग्रो कर रही है, अभी क्या ग्रो कर रही है? जिस मुल्क की एक्सपोर्ट्स गिर रही है, हमारे दौर में 25 अरब, आज 19 अरब, तो ये आपकी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, दुनिया कह रही है कि आपके मुल्क में यूज टू डू बिजनेस जो है वो बहुत बुरी तरह, यानी जिसमें कारोबार करने के लिए जो सहूलत होती है वो बहुत खराब हो गई है। अब सूबे आपसे एहतजाज कर रहे हैं, सीपैक का आपने एक ड्रामा बना दिया, एक ऐसा पाकिस्तान का कौमी प्रोजेक्ट, उसको आपने मुतनाजा बना दिया। तो सिर्फ चंद सड़कें बना देने से यकीनन सड़कों का बड़ा रोल होता है, तो सैर करें ना जी उन सड़कों की, आप क्यों नहीं करते? रोज जाते हैं जी लोग सैर करने से, तो कोई इनकारी नहीं है, हम भी सफर करते हैं, वो पाकिस्तान की सड़कें हैं, मियां नवाज शरीफ साहब भी जाती तो नहीं है, लिहाजा उस पर सारे लोग सड़क बना देना बहुत अच्छा है। लेकिन क्या आपकी प्रायोरिटी सिर्फ सड़क है? किधर गए वो 40 अस्पताल जिसका मियां साहब ने हुक्म फरमाया था कि मैं अगले साल में 40 अस्पताल बनाने जा रहे हैं? कोई भी नहीं। पाकिस्तान के सड़क अस्पतालों में लोग एक एक बिस्तर पे 4-4 मरीज पड़े हुए, इस्लामाबाद की हालत देख लें आप, छोड़िए बाकी को, इस्लामाबाद और पोलिस क्लिनिक देख लें, इनको देख लें जी, यानी जो इस्लामाबाद कैपिटल, आप लाहौर के अस्पतालों का हाल देख लें, आप स्कूलों का हाल देख लें, जब आप पब्लिक फैसिलिटी की बात नहीं कर रहे। अब सस्ती तो रोटी आपने शुरू की, आपने अरबों रुपए उसमें झोंक दिए, किधर गए आपके वो? आपने कहा जी हम आशियाना स्कीमें बनाएंगे, हम आम आदमी गरीब आदमी को घर बना कर, किधर गई आपकी आशियाना स्कीमें? क्यों ना हम कहें कि मियां जी कीता की दे, तो हमारा सवाल तो है ना जी, ये हम सवाल उनसे कर रहे हैं, इसका जवाब दें। तो वो जो एक सदुकड़ी आपने बनाई थी वो घुमा रहे हैं नाम की तब्दीली के लिए, वो कहां तक पहुंची? बस वो असल में उस दिन हमने काफी सारे नाम आ गए थे तजावीज़, वो भी तो मियां नवाज शरीफ साहब की अपनी ख्वाहिश है जी जी,
हमारी तो नहीं, हम नाम तो नहीं बदलना चाहते थे, लेकिन अब वो कहते हैं कि मेरा नाम बदल दीजिएगा तो क्या करें, अब हम पे भी बड़ा दबाव है। लेकिन वो बाकी हमारे सूबों के दोस्तों ने भी कहा कि भाई ये तो खाली पंजाब का इशू तो नहीं है, हमसे भी राय ले लो। सही। तो हमने कहा जी ठीक है, आप भी अपनी राय भेजिए। हमारे बाकी कुछ अजला के लोग आए थे जो उस दिन हाजिर हुए, क्योंकि हमारी मीटिंग थी खाली, वो कहते हैं जी अब आप हमसे भी राय लें। तो इंशाल्लाह वो जल्दी बाकी लोगों से भी आराम मांगी है, फिर हम कुरानदाजी करेंगे, फिर मियां साहब की ख्वाहिश पूरी कर देंगे। नाम कुरानदाजी के जरिए तब्दील होगा नेचुरली, मैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं करूँ, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक करूँ। ठीक। एक लेटेस्ट डॉन लीक्स का एक हुआ, उसको मुख्तलिफ रंग दिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने उसके ऊपर बड़ा सख्त रद्दअमल दिया। पीपल्स पार्टी सरबराह दादा हसन साहब ने कल ये कहा कि DJSPR को इस पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये कोई डील नजर आती है या क्योंकि इस पर सबसे बड़े अजीब से होते, कोई एक तरफ कहा जाता है कौमी सलामती, अब तो हमारी वो एक अजीब सी हो गया है कि कौमी सलामती की अब तशरीह क्या होगी, कौमी सलामती है क्या? एक तरफ आप कहते हैं कि इसको ये खबर जो थी कौमी सलामती के मुनाफी थी, जो कौमी सलामती के मफाद के मुनाफी जाता है तो उसके खिलाफ तो सजा होती है। जी सर, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बड़े तनाव का शिकार रहे हैं मुख्तलिफ अदवार में, और ये बड़ा अहम इशू है पाकिस्तान का। जो चौधरी एतजाज साहब ने कहा बिल्कुल उनका अपना मौकफ है, हक रखते हैं, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है हमारे सेनेट पर जी। हमने जब ये सारा इशू शुरू हुआ डॉन लीक्स का, तो उस पर पीपल्स पार्टी ने बड़ा वाज़े मौकफ, गवर्नमेंट ने भी इसी पे मौकफ लिया कि जी बिल्कुल बहुत बड़े जाती हुई है, बहुत बड़ा गलत काम हुआ है अखबार के खिलाफ, लिखने वाले के खिलाफ, खुद हुकूमत बहुत काम। अब सवाल यह है कि मुसल्लह फवाज ने यह दुरुस्त समझा कि जी बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हो गया जी। सिक्योरिटी ब्रीच से मुराद यह है कि आपने पाकिस्तानी फौज पे हमला कर दिया, आपने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। हर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की जो प्रेस रिलीज थी उसमें इसका जिक्र होता था बकायदा। अब इस पर कमीशन बना, कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी, फिर 5 महीने वो रिपोर्ट दबी रही, फिर इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा जी उस पर इत्तेफाक़े राय नहीं हो रहा जी। ये भी एक हैरान कुन बात थी जी कि कमीशन की रिपोर्ट इत्तेफाक़े राय से आएगी, क्योंकि इत्तेफाक़े राय का तो कोई असूल नहीं है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब ये इत्तेफाक़े राय वाली बात हुई तो DGISPR से किसी ने सवाल कर लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी जी, उन्होंने कहा जी इत्तेफाक़े राय वाला तो कोई सवाल नहीं था। बहरहाल वो डिले हुई, कई और रीजन होंगी, लेकिन क्योंकि अब इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे थे 2-4 दिन में वो आ जाएगी। उस पे आपको याद है चौधरी साहब ने बड़ा जोरदार मौका दिया था जनाब कि जनाब इनको पता नहीं है, ये सब थे नहीं, फलां फलां का काम नहीं, बहुत सारी बातें। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस ने एक खत लिखा, प्राइम मिनिस्टर ने 3 सेक्रेटरीज को एक खत लिखा कि ये स्टेप ले, फलां बंदे को फारग कर दें, फलां के खिलाफ ENDE रूल्स के तहत कार्रवाई करें, पैरा 18 पे जी बिल्कुल। उस पे वो खत सेक्रेटरीज को जाने से पहले PM हाउस ने मीडिया को रिलीज कर दिया, ऐसा ही था, और मीडिया पर उस पर डिबेट शुरू हो गई। जब मीडिया पे डिबेट हुई तो फौज की तरफ से एक ट्वीट आया, ट्वीट एक पैगाम है, जी प्रेस रिलीज है, ये आज का जदीद बोर्ड है। जी जी बिल्कुल, पहले प्रेस रिलीज चलती थी, अब ट्वीट चलता है। तो ट्वीट में जो जो लैंग्वेज थी वो सारी कौम को पता है। जी जी, हमने उस वक्त भी कहा कि जी इदारों की आपस में गुफ्तगू मीडिया के जरिए नहीं होनी चाहिए, ये इदारों के हेड्स को या अप्रोप्रिएट लेवल पे बैठ के गुफ्तगू हो जानी चाहिए। लेकिन ये भी देखने की जरूरत है कि अगर ट्वीट नहीं आना चाहिए था तो उससे पहले वज़ीर-ए-आज़म हाउस से लिखा जाने वाला वो खत वो भी प्रेस को रिलीज नहीं होना चाहिए था। ये भी सही, जो वजह नदा बना जी जी, जिसकी वजह से ये ट्वीट आई उसकी तरफ तो कोई नहीं दे रहा। चले अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि तनाव हो गया, फिर मीटिंग्स हुई, फिर लाहौर में मीटिंग हुई, मियां साहब ने मीटिंग की, फिर यहां पर उन्होंने मीटिंग की और वो डट गए। और लगता यूं है कि जिस तरह हुकूमत के पांव तले बटेरा आ गया, अचानक दबाव में इनके हाथ में बटेरा आया, उन्होंने कहा जी ट्वीट बड़ी गलत हुई है, वहां पे इन्होंने चीजों को गिरफ्त कर लिया। और फिर आर्मी चीफ और आईएसए चीफ दोनों की मीटिंग हुई, एक या दो दफा जी, तो उसके बाद ये तय हो गया कि जी हम ट्वीट वापस ले लेते हैं और उस पर अमल दरामद हो गया। लेकिन आपको एक याद होगा, जब ट्वीट हुआ तो ट्वीट के फौरन बाद भी इंटीरियर मिनिस्टर साहब कराची में थे, उन्होंने गवर्नर हाउस में बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 29 अप्रैल को जी, उन्होंने कहा कि जी ये बिल्कुल इन्होंने पढ़ा नहीं है खत, ये नहीं है किसी ने देखा कुछ, और कहा कि ट्वीट जमहूरियत के लिए जहर कातिल है और मैं बिल्कुल नापसंद करता हूँ। और ये भी कहा कि जी जो नोटिफिकेशन है वो तो मैंने जारी करना है, ऐसा ही है, वजारत दाखिला ने जारी करना है, ये खत तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस का है,
अब उस पे सारे दिन डिबेट। कल तक मुस्लिम लीग का हर बंदा ये कह रहा था कि जी ये समझ नहीं आई किसी को, जी ये तो वजीर दाखला ने नोटिफिकेशन जारी करना है। दो दिन पहले हमारी जो वजीर इत्तलात है उन्होंने फरमाया कि जी नोटिफिकेशन वजारत दाखला जल्द जारी, दो एक दो दिन में जारी कर देगी। हमने भी सोचा कि चलो कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा, कोई तसल्ली हो जाएगी, वो रिपोर्ट हमें पता चल जाएगी किसका क्या रोल एट्रीब्यूट हुआ है क्योंकि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अनफॉर्चुनेटली ना तो वो रिपोर्ट पब्लिक हुई, ऐसा ही है। और सवाल हमारा अब ये है ISPR से, मैंने तो कल भी कहा कि जनाब प्राइम मिनिस्टर के खत के ऊपर अब आप मुतमिन हो गए कि जी प्राइम मिनिस्टर के खत पे अमल दरामद हो गया है, पैरा 18 पे अमल दरामद हो गया, अब सब ठीक हो गया। उस दिन आखिर क्या हुआ था जिस दिन वो खत लिखा गया तो आपने ट्वीट किया कि हम उसको मुस्तरद करते हैं, उसी खत को उसी के कंटेंट को तो आप मुस्तरद कर चुके उस दिन, ये हुआ अब क्या हुआ? वजारत दाखिला ने क्या वजाहत की कि पहले आप वजीर आजम के खत को कह रहे हैं ये तो काबिल एतबार नहीं, अब आप वजारत दाखिला के एक प्रेस रिलीज को कह रहे हैं कि अब नोटिफिकेशन पूरा हो गया और मामला खत्म हो गया। इसी तरह हमें हुकूमत से भी ये पूछता है कि हजूरे वाला आप भी जरा फरमा दीजिए कि वो कौन सा नोटिफिकेशन था जो वजारत दाखिला कह रही थी हमने जारी करना है, वो जारी नहीं हुआ, उसकी अदम मौजूदगी में आखिर आपने क्या हुआ? अगर आपका पहला खत काफी था तो फिर आपने ये क्यों कहा, ये स्टैंड क्यों लिया? ये तो नहीं है ना जी, ये पाकिस्तान का इशू था चौधरी साहब, ये इशू पाकिस्तान का इशू, बिल्कुल ये नहीं हो सकता कि दो ऑफिस, भले वो प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ हो, दो ऑफिस बैठ के कहें पूरी कौम के सामने आपने 10 महीने पूरा मुल्क का शिकार रहा, एक खिंचाव रहा और आप कहें साहब अच्छा हो गया बस मुकमका हो गया खत्म, बात खत्म कर दो। नो, और मेरा तो एक और तहफ्फुज़ है जी, मेरा तो एक और सवाल है कि मेरी गवर्नमेंट होती है, मेमो स्कैंडल होता है, मेमो स्कैंडल में इससे कम इल्जाम थे और वो किसी बैरूनी मुल्क में बैठे हुए शख्स ने इल्जाम लगाए थे, ये तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से इल्जाम लगे थे। जी, 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 जी। मेमो स्कैंडल में तो चीफ जस्टिस नोटिस ले ले, मेमो स्कैंडल में तो रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाए जब तुम गवाहियां इकट्ठी करो, मेमो स्कैंडल में तो आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ खुद जाए लंदन में गवाहियां इकट्ठी करने, मेमो स्कैंडल में तो आईएसआई चीफ और आर्मी चीफ अपनी एफिडेविट फाइल कर दें, और मेमो स्कैंडल में तो मियां नवाज शरीफ काला कोट पहन के खुद पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट जाए, मुल्क में एक अदाब हो जाए, और आज बैठे आप दो इधारे बैठे और आप कहें जी बस ठीक हो गया। तो क्या मुझे ये हक नहीं है पूछने का कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? सही, पूरे मुल्क का मामला। जी, मैं कहता हूं दोनों में जो ऐसा एक्चुअल इशू था वो एक था जी कि पाकिस्तान की फौज पे इल्जाम आया, एक इल्जाम लगाने वाला एक फर्द है, उसकी डिटेल आनी है, उसके पीछे कोई था या नहीं था, उसकी अपनी जैनिक तरह थी, एम्बेसडर की थी नहीं थी फला, लेकिन दूसरी तरफ तो वजीर आजम हाउस है, पाकिस्तान के अंदर है, और आपने 3 बंदे सैक किए, आपने एक वजीर सैक किया है, एक स्पेशल असिस्टेंट सैक किया है, एक सरकारी मुलाजम, बिल्कुल तो ये चौधरी साहब मुझे बिल्कुल तहफ्फुज़ है, और मुझे पूछना है या फिर मुझे अब पाकिस्तान के छोटे सूबों को कहना है कि भाई अपने औकात में रहा करो, तुम्हारे जो सियासतदान है तो ये तुम्हारे लिए इस तरह की फैसिलिटीज नहीं है। चलिए ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं, यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे।